रविवार को महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट और गहरा गया। शिवसेना के कई कार्यकर्ता महाराष्ट्र और दिल्ली में पार्टी के विद्रोहियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उद्धव ठाकरे और बागी नेता एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना के नियंत्रण की लड़ाई के बीच दिन भर दावे और प्रतिवाद सामने आते रहे। इस बीच डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस को लेकर शिंदे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डिप्टी स्पीकर की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस वे अजय चौधरी को विधायक दल के नेता बनाए जाने को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की बड़ी जीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई शाम 5:30 तक का समय दिया है। वहीं डिप्टी स्पीकर को झटका देते हुए उनको आज ही जवाब देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है। शिंदे की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भड़कते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर अपने ही मामले में खुद जज कैसे बन गए। सिंघवी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने खिलाफ आए नोटिस को डिप्टी स्पीकर ने कैसे खारिज कर लिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डिप्टी स्पीकर अपने ही मामले में खुद जज कैसे बन बैठे हैं। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बागी गुट ने उद्धव ठाकरे गुट पर हमला करते हुए कहा कि आज एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई गई, लेकिन साल 2000 में जब बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त एनसीपी नेता छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री थे। एकनाथ शिंदे के वकील ने सुनवाई के दौरान संजय राउत की ओर से धमकी दिए जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने 15 विधायकों को नोटिस भेजकर 2 दिनों में जवाब मांगा है, जबकि कम से कम 14 दिनों तक वक्त मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ही पहले भी साफ कर चुका है कि जरूरी वक्त दिया जाना चाहिए। शिंदे के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का नोटिस असंवैधानिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डिप्टी स्पीकर के नोटिस से आपत्ति है तो आपने उनसे एतराज क्यों नहीं जताया। अदालत के इस सवाल पर एकनाथ शिंदे के वकील नीरज कौशल कोल ने कहा, विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, ऐसे में उनके आगे कैसे इस दलील को दिया जा सकता है, अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा।